आने की वजह से 3 घंटे सीजरिंग डिले भी हुआ। 3 घंटे डिले, 3 घंटे डिले हुआ। क्या प्रॉब्लम थी आपको सीजर करने की जरूरत है? सीजर तो पहले पहला सीजर था, दूसरा भी सीजर हुआ, बट तो बोले थे कि 10-11 बजे होगा, लेकिन पानी की वजह से वो जाते जाते 2:30 बज गया, क्योंकि पानी ही नहीं था, और बिना पानी के तो प्रॉब्लम होता ही है, तो सब लोग समझ सकते हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि पानी नहीं होने की वजह से पेशेंट का ऑपरेशन, सीजरिंग प्रोसीजर 3 घंटे डिले हुआ, कितनी बड़ी घटना है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज ऐसी एक समस्या को लेकर मैं सामने आया हूं, वो समस्या आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि हम वसई विरार महानगर पालिका में किस चीज़ का टैक्स भरते हैं। आप देख सकते हैं, एक कहावत है, दिया तले अंधेरा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ी पानी की टंकी है, कई हजारों लीटर पानी इस टंकी में समा सकता है। ये इस टंकी से लगकर ये परिसर को ऐसा घूम कर आप यहाँ सामने आएंगे तो यहाँ एक अस्पताल है, वसई विरार शहर महानगर पालिका बाता बाल संगोपन केंद्र सूर्योदय वसाहत इस अस्पताल का नाम है। ये विशेष तौर पर माता बाल संगोपन केंद्र है, डिलीवरी स्पेशलिस्ट अस्पताल है। डिलीवरी के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आए दिन पानी की समस्या सामने आ रही है, आए दिन यहाँ के पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि यहाँ पानी उपलब्ध नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हुई, हमें फ़ोन पर जानकारी मिली, तब हम यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन हमने इसकी जानकारी, इसकी चर्चा डॉक्टर भक्ति चौधरी, जो कि वसई विरार महानगर पालिका की MOH है, उनसे की थी, और उन्होंने माना था कि हाँ उस दिन पानी नहीं था। ये तब की बात है, कुछ दिनों पहले की। उसके बाद हाल ही में बीती रात को रात 12:30 बजे के करीब एक फ़ोन मुझे आया था, और फ़ोन पे ये बताया गया था कि शनिवार को दोपहर से लेकर यहाँ पर पानी की कमी थी, पानी नहीं था। इस पानी नहीं वजह होने की वजह से जितने पेशेंट यहाँ पर एडमिट थे, जितनी महिलाएं यहाँ पर एडमिट थी, उनमें से अधिकतर को यहाँ से वसई नालासोपारा वेस्ट में शिफ्ट किया गया, सिर्फ पानी की कमी की वजह से। अब वसई विरार महानगर पालिका में क्या नियोजन है, यह सवाल बड़ा है। हालांकि हम अभी यहाँ आए, हमने यहाँ के अभी हालात देखे, तो अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पानी रिस्टोरेज हो चुका है, और ऐसा इन्होंने भी, हमने जब एडमिनिस्ट्रेशन में जानकारी ली, तब उन्होंने, उनका ऐसे कहना था कि पानी था, पानी वसई विरार महानगर पालिका की अग्निशमन की गाड़ी आई, टैंकर आया था, उससे पानी भरा हुआ था, लेकिन मोटर खराब होने की वजह से वो पानी टैंकी में नहीं चढ़ाया जा सका और पानी यहाँ नहीं उपलब्ध हो सका। तो वो मोटर आज रिपेयर हुई है और आज अभी पानी फिर से चालू हो गया है, ऐसा यहाँ लोग बता रहे हैं। अभी फ़िलहाल पानी शुरू है। अब सवाल यह है कि यहाँ की मोटर बिगड़ गई, समझ सकते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े स्थल पर, इतने बड़े अस्पताल पर एक मोटर वैकल्पिक तौर पर नहीं रखी जा सकती है? क्या एक मोटर बिगड़ती है तो बैकअप में दूसरी मोटर तैयार नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए यहाँ से पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाए कि यहाँ मोटर ख़राब है और पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है? हमने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, तो यहाँ फ़िलहाल जो यहाँ के इंचार्ज ऑफिसर है वो मीटिंग में गए, वो है नहीं, और जो दूसरा डॉक्टर है उन्होंने कहा मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ, मैं मीडिया के सामने बाइट नहीं दे सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ अभी जो पेशेंट मौजूद है उनके रिश्तेदारों से हमने बात करनी चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि लोग कैमरे के सामने आने से कतराते हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ और यहाँ फ़िलहाल कोई इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन आप सभी को मालूम है, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने वसई DM पेट्रिड हॉस्पिटल का वीडियो डाला था, उसमें मैंने दिखाया था किस तरह से रात को वहाँ पर दवाई देने से मना किया जाता है। मेरे वो वीडियो डालने के बाद वहाँ पर दवाई देना तो शुरू नहीं किया गया, बल्कि OPD टाइमिंग लिख दिया गया कि OPD जनरल OPD सुबह 9 से 12, शाम को 5 से 7। व्यवस्था में सुधार किए जाने की जगह पर वहाँ पर सिस्टम में बदलाव किया गया और सिर्फ लोगों के लिए ये बोर्ड लगा दिया गया कि इस समय पे OPD है, और वहाँ के डॉक्टर, फिर चाहे वसई विरार महानगर पालिका के MOH, वो सब यही बात एक ही बात दोहराते हैं कि OPD पीरियड। OPD पीरियड के अलावा उनके जवान पर कोई चीज़ आती नहीं है। क्या डॉक्टर का फ़र्ज नहीं है कि एक मरीज को चेक करे? खैर, वो अलग विषय था, ये अलग विषय है। यहाँ पर रात को 12:30 बजे मुझे कॉल आया था, रात को इतना लेट आना पॉसिबल नहीं था,
मैं अभी आया, अभी पानी है, फिर से आपको बता दूं अभी समय पानी है, लेकिन जैसा मैंने अभी शुरू में आपको बताया, यहाँ पीछे पानी की टंकी है इतनी बड़ी, तो इस पानी की टंकी का क्या उपयोग है? इसको बांधने में लाखों करोड़ों का खर्चा हुआ रहेगा, उसका क्या उपयोग है जब इसके सब इससे सब सटी हुई है बिल्डिंग, इसी को पानी नहीं पहुँच रहा है? तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका में इस समय व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है, व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। यहाँ का वसई विरार कर जो टैक्स अपना पे करता है, वो पैसा कहाँ पर बर्बाद हो रहा है, ये अभी कह पाना आसान नहीं है। आज समय है लोगों को सामने आकर सवाल पूछने का। यहाँ भी लोग बैठे लोग इस समय कैमरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन क्या उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कुछ अव्यवस्था है तो उसको उजागर करें? लोगों से भी सवाल है। हम खुद जब अत्याचार सहते हैं तब हमारे पे अत्याचार होता है, और एक माने में ये अत्याचार ही है। टैक्स का पैसा वसूलने के बाद भी अगर प्रशासन तुमको सुविधा ही नहीं दे सके तो ये अत्याचार नहीं तो और क्या है? क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह जी, आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? आपको कौन एडमिट है? मैं सैटरडे से एडमिट। कौन है? मेरी वाइफ। सैटरडे से आप? मुझे ऐसी जानकारी आई थी, कल फोन आया था कि यहाँ 3 दिन से पानी नहीं है, सही बात है? हाँ हाँ, सैटरडे से पानी नहीं है। सैटरडे से बोल रहे थे मोटर खराब है, तो चेक कर रहे थे। मैं बोला कि फिर आप पंपिंग सेट लगा दो या फिर आप मोटर की व्यवस्था करो, पानी नहीं है। तो मतलब 30-40% को वेस्ट में शिफ्ट किए। 30-40%? हाँ, 30-40 से। हाँ, नहीं, मुझे बोल रहे थे कि कल संडे को बोले शाम दोपहर को शिफ्ट करेंगे, फिर बोले शाम को शिफ्ट करेंगे, फिर शायद इन लोगों का कुछ व्यवस्था हुआ थोड़ा पानी का, तो नहीं शिफ्ट किए। अभी आज का भी कुछ भरोसा नहीं, पानी है कि नहीं है। आपका नाम? हेलो सर, हमारा नाम सुरेंद्र कुमार सरोज है। आपको भी आए? मैं यहाँ 8:50 सुबह आया। सुबह आया तब यहाँ पानी? सुबह पानी का व्यवस्था तो सर नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। सुबह अपने को बाद में मालूम पड़ा, 2-4 कारीगर यहाँ आए थे बनाने के लिए मशीन, लेकिन वो पता नहीं बना भी पाए कि नहीं बना पाए। अच्छा, आपके कौन एडमिट है? मेरे साले की बीवी है। यहीं पर रखा हुआ है? हाँ, यहीं पर रखा हुआ है, बच्ची पैदा हुई उसको। तो भी ये दो जन सामने आए और इन दो जनों ने बताया, इन्होंने अभी कंफर्म किया कि शनिवार से यहाँ पर पानी नहीं, और करीब 30-40 पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया गया सिर्फ इसके लिए कि पानी नहीं था। तो जो मैं अभी आपको पहले वीडियो में बताया हूँ उस चीज़ को इन्होंने अभी बखूबी यहाँ पर बताया है। शनिवार से ये इनके पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, ये इनके साथ यहाँ रुके हुए हैं। तो क्या हमारी पानी की वजह से 3 घंटे सीजरिंग डिले भी हुआ? तीन घंटे डिले हुआ। क्या प्रॉब्लम थी आपको सीजर करने की जरूरत है? सीजर तो पहले पहला सीजर था, दूसरा भी सीजर हुआ, बट बोले थे कि 10-11 बजे होगा, लेकिन पानी की वजह से वो जाते जाते 2:30 बज गया, क्योंकि पानी ही नहीं था, और बिना पानी के तो प्रॉब्लम होता ही है, तो सब लोग समझ सकते हैं। तो कितनी बड़ी चीज़ है कि पानी नहीं होने की वजह से पेशेंट का ऑपरेशन सीजरिंग प्रोसीजर 3 घंटे डिले हुआ, कितनी बड़ी घटना है। कहाँ है वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन, वसई विरार महानगर पालिका के उपायुक्त, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट? वो क्या खाली अपनी जेब भरने पैसा महानगर पालिका का पगार लेने ही बैठते हैं? उन्होंने कभी इन चीज़ों पर ध्यान दिया है? महानगर पालिका आयुक्त अगर मेरा ये वीडियो देख रहे तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, उनको भी सवाल करना चाहूँगा कि क्या आपको अपने निचले अधिकारियों की कारस्थानी मालूम है? क्या उनके हाथ के नीचे क्या हो रहा है आप ये जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई शब्द नहीं है, और अगर जानते हैं फिर भी आप कोई कार्यवाही नहीं करते तब भी कोई शब्द नहीं है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786